दिस इज ऑल न्यू होंडा CB350 अभी नई लॉन्च है और इस बाइक में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है तो आज एक डिटेल वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं। और आप लोगों की यार सबसे ज़्यादा पसंद यही है मेटेलिक ब्लैक कलर, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे तो ये बाइक आ चुकी है, शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी है और इसकी डिलीवरी होना भी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं की से, की कैसा मिल रहा है आपको। तो की कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, दोनों साइड में आपको होंडा का स्टिकर्स यानी होंडा की बैजिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको नॉर्मल सिक्की देखने को मिलेगी। की का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। की को इंसर्ट करते हैं, जैसे ही आपने की को इंसर्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जो DRL हैं वो ऑन हो जाते हैं, LED में इसके ब्लिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे और पूरा हेडलाइट का सेटअप आपको LED के साथ ऑफर किया जा रहा है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर टाइप के आपको सस्पेंशन ऑफर किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको MRF कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर ऑफर किया जा रहा है। इसकी जो टायर सेक्शन है फ्रंट में 100x90 सेक्शन का है और 19 इंच के आपको अलाइबल्स ऑफर किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको फ्रंट में 310mm का डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा रहा है। डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में स्टैंडर्ड मिलता है, निसिन के ब्रेक कैलिपर मिलेंगे, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किया जा रहा है और फ्रंट का डिज़ाइन यार देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड शेप की LED हेडलाइट है और इसकी जो पास है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आगे आपको इसका साउंड भी सुनाऊँगा स्टार्ट करके कि यार सुनने में कैसा लगता है और इसका जो रियल बेस साउंड है वो कैसा है। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो होंडा का 3D लोगो आपको मिलेगा, फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे हाई सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और जो इसका इंजन है जहाँ से परफॉर्मेंस निकल के आती है तो यहाँ पे आपको 348.6 cc का एयर कूल VS6 Phase 2 P20 कंप्लाइंट वाला 4-stroke 4-bulb इंजन ऑफर किया जा रहा है जिसकी मैक्स पावर यार 21.07 PS की है और मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 30 Nm के आसपास का है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन मिल जाता है, स्मूथ इंजन है और रिवाइवल इंजन है और होंडा अपने इंजन की कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका साइलेंसर है कुछ इस टाइप से दिया गया है, क्रोम का यूज किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा वीक साइलेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ब्रेक पैड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इंजन पर आपको होंडा का 3D लोगो मेंशन यहाँ पर दिख जाएगा, 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है तो ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अगर वेट की बात करें तो हाइनेस की करीब CB350 की वेट करीब 181 kg का है लेकिन यहाँ पे 6 किलो वजन इसका बढ़ चुका है, 187 kg का इसका वेट है तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर इस साइड में बात करते हैं तो इसकी जो सीट काउल है यहाँ पे आपको CB350 लिखा हुआ नजर आएगा 3D में और साथ में जो इसका पार्ट है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे पीछे में जो आपको सस्पेंशन मिलेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन वाले सस्पेंशन मिलेंगे और यहाँ पे एडजस्टेबल है तो नाइट्रोजन डुअल शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है और बाकी जो फुटपैस का डिजाइन है कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है और जो ये पूरा पार्ट है यार काफ़ी ज़्यादा लोहा लाट यहाँ पे पार्ट दिया गया है। और पीछे वाले टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ 130x70 सेक्शन का टायर मिलेगा और यहाँ पे 18 इंच के अलाइबल्स ऑफर किए जा रहे हैं और पीछे में आपको 240mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, निसिन के ब्रेक कैलिपर आपको मिलेंगे, है ना, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। टेल लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे टेल लाइट जो आपको मिलेगी भाई कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, LED के साथ इसकी ब्लिंकर्स आपको दिखने वाले हैं और यहाँ पे आ जाएगा नंबर प्लेट, ये लाइट है जो नंबर प्लेट पे आपकी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। बाकी इसमें सिंगल पीस आपको रियर ग्रेव ऑफर किया जा रहा है। फेंडर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए भाई, फेंडर देखो आप जो पहले वाले फेंडर हाइनेस वाले देख रहे थे और यहाँ पर ये पूरा मेटल का पार्ट दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फेंडर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस साइड में आपको बड़ा सा साइड गार्ड देखने को मिलेगा LED फीचर्स के साथ में और यहाँ पर ओपन चेन सेट कवर देखने को मिलता है और इस साइड में आपको 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो लुक है इसका डिज़ाइन है आप देख सकते हो कैसा है देखने में। और यहाँ पे सीटिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट में आपको सीट ऑफर की जा रही है, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो पिलियन है उसके लिए भी बढ़िया है और पिलियन इसको ग्रैब करके आराम से इजी तरीके से बैठ सकता है। 800mm की सीट हाइट है और 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, E20 को सपोर्ट करता है आप यहाँ पे देख सकते हो। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड मिलेगा, पास का स्विच, टर्न इंडिकेटर और इस साइड में आपको स्टार्ट का स्विच, ऑफ का स्विच और यहाँ पे हैजर्ड स्विच है जिसको जलाने से चारों इंडिकेटर जो है जल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको स्पीडोमीटर शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर की डिटेल आएगी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का साइन मिलेगा और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आप मिल जाएगी। तो डिजी एनालॉग मीटर कंसोल है, डुअल चैनल ABS इसमें स्टैंडर्ड आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, कनेक्टिविटी वाले भी फीचर्स दिए गए हैं और इस साइड में आप देख सकते हो तो यहाँ पे C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी
सपोर्ट करता है। इसमें एक चीज़ अच्छी ये मिल जाती है कि इसमें आपको होंडा स्मार्टफोन वॉइस असिस्ट की सुविधा मिलती है और होंडा टॉर्क कंट्रोल वाला सिस्टम मिल जाता है, लॉन्ग फेंडर मिल जाते हैं, मेटल में आपको मिलते हैं, इंजन यार काफ़ी इधर स्मूथ है, रिवाइवल है, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट बाइक है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट बाइक है ये। और इसकी प्राइजिंग की बात करें तो 1,99,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस से शुरुआत होती है और जाती है यार 2,30,000 यानी 2,30,000 के आसपास की। तो यार बाइक आपको देखने में कैसी लगी? मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है बाइक और देखने में आपको दूर से लगेगी जैसे हाईनेस सीबी 350 का कॉपी देख लो या फिर क्लासिक 350 कॉपी देख लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लासिक 350 से काफ़ी ज़्यादा इसका साउंड भी अच्छा है, मैं अभी आपको सुना देता हूँ, तो साउंड आप सुन लो। जो मैं अभी स्टार्ट करूँगा वो बिल्कुल बेस होगा, कैसे स्टार्ट होती है ये दिखाता हूँ आपको। इसका ये बेस साउंड है यार और बड़ी इचली तरीके से एक ही प्रेस में ये स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा सा मैं रैप करता हूँ, तो भाई कुछ इस तरीके से एक खतरनाक साउंड है, नेक्स्ट लेवल वाला साउंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बाइक का ओवरऑल लुक, डिजाइन, स्पेक्स मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका बजट यार 2,30,000 या 2,50,000 के आसपास में है और आप चाहते हैं 350cc के एक बेहतरीन बाइक परचेज करना, तो ये बाइक आपके लिए ही है। बाकी मैं शोरूम का नाम और नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर लेना, कॉल भी कर सकते हो, पता भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।